यहाँ का सबसे मशहूर आइटम है और मक्खन में बनता है। सिर्फ दूध और मक्खन में ये बनाया जाता है। ये बढ़िया। फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से आप? काफी बड़ा साइज है। बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपकी मेज़बान आपके खिदमत हाजिर हूं एक बार फिर। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कवर करने के लिए आए हैं वो है यहां पर एक दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट। और दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट के पीछे की कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूं। ये छोटी सी दुकान हुआ करती थी, छोटी सी दुकान से अब जो ये तब्दील हो चुका है, एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका है। क्या आज यहाँ पर ओनर से आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर खाना खा के चेक करेंगे। शुरुआत हमारे दादा ने करी थी जी। हमारी छोटी दुकान थी तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी जी। उन्होंने शुरू में चिकन की, मटन की ये सब आइटम रखी, लोगों को पसंद आने लगी तो हमने प्रोग्रेस करा और अब बढ़ते बढ़ते यहाँ बहुत सारी चीज़ हो गई हमारे। शुरू से खीर हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है जी। वो चीज़ है खीर हमारी। ज़्यादा चलता है लाजवाब राणा चिकन, हैदराबादी लेमन मसाला, तो ये हमारी सब चलने वाली आइटम है जो लोगों को बहुत पसंद। आपका मेरठ में हापुर अड्डे के पास है, इमलियान में जी। दिल्ली का तो बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, एक बार मेरठ आके यहाँ का भी ट्राई कीजिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रही हूँ कि किचन भी ऐसे होते हैं और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और जो खाने एक साथ बनने तो वो मतलब भाई देखने लायक है। दिल्ली के तो खाने मैंने आपको बहुत दिखाए हैं किचन के अंदर और कुछ अलग ही इनका टेस्ट है मेरठ वालों का। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बटर चिकन है, प्योर मक्खन से बनाते हैं, प्योर मक्खन से माशाल्लाह। ये यहाँ का सबसे मशहूर आइटम है, देखने में बढ़िया लग रहा है ये, है ना? और मक्खन में बनते हैं, सिर्फ दूध और मक्खन में ये बनाया जाता है ये। दरबार के काफ़ी सारे यहाँ पर आइटम आ चुके हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास में है हम जो ट्राई करने वाले हैं और ये इनका स्पेशल है चिकन लाजवाब, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ये। साथ ही साथ यहाँ पर है ये चिकन हैदराबादी, मैं आपको दिखा देती हूँ, चिकन हैदराबादी है ये। और मैंने मंगवाया है यहाँ पर ये मटन कौरमा, ये मटन कौरमा है, ये मटन कौरमा है यहाँ पर, ये आप देख लीजिए मटन कौरमा। तो इसे हम बाद में खाएंगे लेकिन खाना जो मैं खाती हूँ, जो सबसे पहले जो मैंने ट्राई करा है वो है चिकन लाजवाब, जिसका टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का है। पर जो बनाने का तरीका है तो वो तो बहुत आला है लेकिन जिस तरह से जब बन के वो तैयार आता है और जब आप खाते हो तो आपको फील होता है और ये कुछ टेस्ट है, कुछ अलग बात है इस चिकन लाजवाब स्पेशल में। जो बाइट है ये बन चुका है तो यहाँ पर खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। कम स्पाइसेस में बने, पता नहीं वाकई क्या डाला है इन्होंने लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का आ रहा है। जैसा नाम है उसका चिकन लाजवाब स्पेशल, ये उसका टेस्ट भाई 10/10 है। ओके जी, दूसरा जो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये है चिकन हैदराबादी और बहुत ही ज़्यादा इनका बनाने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। मतलब इन्होंने इसके अंदर एग भी मिक्स कर रखे हैं जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। चिकन हैदराबादी, मैं हैदराबाद में कभी नहीं गई हूँ लेकिन चिकन हैदराबादी नाम है, तो भाई जो भी हैदराबाद से देख रहा होगा बताना कि उसका टेस्ट कैसा होता है चिकन हैदराबादी। तो यहाँ पे इसे खा के चेक करते हैं। ग्रेवी तो बड़ी मस्त लग रही है इसकी, खा करने के बाद में पता चलेगा कैसा है टेस्ट है। ये हमारा जो बाइट है ये बन चुका है, ये देख। यहाँ पर मैंने चिकन हैदराबादी खाया, उसका टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ। मतलब मैंने अभी तक नहीं खाया और लगा कि हाँ भाई इसके अंदर चिकन हैदराबादी वाला कुछ टेस्ट आ रहा है, वो है हल्के से स्पाइसी जो आपको फील होते हैं
जब आप खाते हो तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप दोबारा भी खाना चाहोगे। थर्ड में जो मैंने खाया है वो मटन कौरमा, और मटन कौरमा मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इससे पहले मैंने एक जो लाइव किचन में मटन कौरमा बनते हुए देखा था, मुझे टेस्ट वैसे ही आया, लेकिन इस मटन कौरमे का भी टेस्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा आला है। जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मटन कौरमा 10 out of 10 है। जो भी मैंने अभी 3 डिशेस यहाँ पे मैंने ट्राई करी है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इनकी खीर भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर एंटर होते वो खीर ट्राई करी है तो खीर का टेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आला है। अभी आप आ रहे हैं मेरठ में तो मस्ट विज़िट दिल्ली दरबार। दादा के वालिद थे वो लाहौर से क्या में सीख कर आए थे, उन्होंने यहाँ क्या में दुकान खोली अंग्रेज़ी हुकूमत में सन 1909 से, और तब से ही हमारी दुकान यहाँ स्थापित है। हमारे वालिद के 3 भाई और उसके बाद उनके 3-6 बेटे जो आज इस काम को संभाल रखा और इसे आगे को बढ़ा रहे हैं। लस्सी का गिलास हमारा 1 आने से चालू हुआ था, आज 1 आने से लेकर 40 रुपये तक का क्या सफ़र तय करा। इसे ही पूछ लीजिए वेलकम लस्सी शॉप के नाम से, कोई भी आपको इस शहर के किसी भी मोड़ पे बता देगा, शहर में घुसते बता देगा लस्सी पीनी है तो कहाँ जाना है। यहाँ पर लस्सी आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस लस्सी है। जो बनाने का तरीका है तो मैं आपको बता दूं, वो है इनका मशीन से ये बनाते हैं, पहले ये हाथ से बनाते थे, लेकिन अब जैसे माशाल्लाह से इनके कस्टमर बढ़ते हैं तो इतना टाइम नहीं होता तो उससे हाथ से मेन सके, तो इसलिए इन्होंने मशीन से जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। और इसका गिलास, ये आप गिलास भी देखें, काफ़ी बड़ा साइज़ है, सिर्फ 40 रुपये का है। इसके अंदर खोवा भी दे रहे हैं प्लस ड्राई फ्रूट भी, पीने के बाद पता चलेगा कि लस्सी का टेस्ट कैसा है। तो इसे यहाँ पर पीक के चेक करते हैं, ये देखें लस्सी का टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पर लस्सी का जो खोआ है वो एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब मुँह में रखते हैं तो पता ही नहीं चलता है वही लस्सी कहाँ है। लस्सी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, मतलब ये ऐसे नहीं है कि आपको खट्टापन इसके अंदर आ रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको आँखों के सामने ये बनती हुई मिलती है। और इसके ऊपर से इन्होंने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। ऐसी लस्सी मैंने नहीं पी है, और मेरठ में अगर आ रहे हो तो ये लस्सी ज़रूर ट्राई करना। एक लस्सी ऐसी है जब आप एक लस्सी का गिलास पी लोगे दोबारा आपको कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब। तो भाई इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब करना और अपनी मेज़बान आयशा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।